दोस्तों, यदि आप ऐसे सदाबहार बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी लागत भी कम हो और उस बिजनेस को आप घर बैठे कर सके और उससे आप प्रॉफिट भी अच्छा कमा सके, तो हवाई चप्पल बनाने का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा बिजनेस साबित होगा। दोस्तों, हवाई चप्पल एक ऐसी चीज है जो घर के हर सदस्य द्वारा यूज की जाती है। चप्पलों का यूज पैरों के तलवों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा धूल मिट्टी से भी बचाता है। इसके अलावा हवाई चप्पल टिकाऊ तो होती ही है, इसके अलावा आरामदायक भी होती है और यह बहुत कम दाम में मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। दोस्तों, आज के समय में हर वर्ग, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके पास हवाई चप्पल देखने को मिलेगी। इसके अलावा गांवों में खेतिहर किसान या महिलाओं द्वारा हवाई चप्पल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, तो इस प्रकार हवाई चप्पल की बाजार में बहुत अधिक डिमांड रहती है। और यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यह बिजनेस सदाबहार तो रहेगा ही, साथ ही इससे आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। इसके अलावा इस बिजनेस में आपको अधिक पैसे का निवेश भी नहीं करना पड़ता है, अर्थात कम पैसों में ही इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। तो इस बिजनेस को कैसे शुरू करें और अन्य बहुत सी जानकारियाँ आगे इस वीडियो में हम जानेंगे, अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के समय में बहुत से बिजनेस या उद्योग पूरी तरह से सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन द्वारा किया जाता है और इसमें लोग काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। इसमें चप्पल बनाने का कारोबार ऐसा है जिसको मशीन के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, चप्पल बनाने के लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल की व कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, हवाई चप्पल बनाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी का व घटिया क्वालिटी का दोनों तरह का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चुनना होगा। तो इसके लिए आप मार्केट का अच्छा रिसर्च करें कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोल या रबर शीट अच्छी क्वालिटी की होगी। दोस्तों, अधिकतर बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि वे रॉ मटेरियल के लिए अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगाकर रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, ईवीए रबर शीट एवं पीयू रबर शीट अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। हवाई चप्पल बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए यह जानते हैं। रबर शीट की बात करें तो 8 से 20 एमएम या आपको जो उचित लगे ले सकते हैं। यह शीट आपको लगभग 500 रुपये प्रति शीट मिल जाएगी, जिससे 18 से 20 जोड़ी चप्पल बन जाएगी। स्ट्रेप बैंड अर्थात फीते की बात करें तो ये आपको 9 रुपये प्रति जोड़े से मिल जाएंगे। दोस्तों, चप्पल में चमक लाने के लिए उस पर सिलिकॉन लिक्विड लगाना पड़ता है, जो आपको 1000 रुपये प्रति लीटर मिल जाएगा। और यदि आप चप्पल पर प्रिंट करते हैं तो सिंथेटिक पेंट आपको 78 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाएगा। इन रॉ मटेरियल को आप इंदौर, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद आदि शहरों से खरीद सकते हैं या आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप इनको इंडिया मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अलीबाबा से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसी प्रकार हवाई चप्पल बनाने के लिए मशीन की बात करें तो इसके लिए सोल कटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। तो यदि आप मैनुअल मशीन लाते हैं तो यह 10,000 रुपये से शुरू होगी और यदि आप ऑटोमेटिक मशीन लाते हैं तो 35,000 रुपये से शुरू होगी। इसके अलावा आपको मेटल डाई की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत 350 रुपये के लगभग होगी। इसी प्रकार चप्पल पर डिजाइन प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो मैनुअल मशीन 8,000 से स्टार्ट है और ऑटोमेटिक मशीन 30,000 से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार चप्पल सोल को ग्राइंड करने व ड्रिल मशीन की
कीमत की बात करें तो 5,000 से शुरू होगी। इसी प्रकार ब्रांड स्ट्रैप फिक्सिंग मशीन 2,500 से शुरू होगी। इन मशीनों की कीमत में उतार चढ़ाव भी होता रहता है। इन मशीनों को आप इलेक्ट्रॉनिक बाजार से खरीद सकते हैं या फिर आप इनको बनवा भी सकते हैं, जो आपको और सस्ती पड़ जाएगी, या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छी सुंदरता से पैकिंग करेंगे तो यह आपके ब्रांड वैल्यू को बनाएगा व बढ़ाएगा। आप अच्छा सा पैकेट प्रिंट करके इसे पैक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने बिजनेस में अच्छा पैर जमाना है तो आपको चप्पलों की क्वालिटी अच्छी रखनी है व उसकी कीमत भी उचित ही रखें, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है तो उसकी कीमत कम ही रखें। इससे आपका माल और अधिक बिकेगा।